Hello students, so as we already have done something related to physics, now it is time to do it for maths. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों ने एक काम करना है. If you want that I should make a similar video for chemistry, क्योंकि अभी maths का शुरू नहीं हुआ है, please comment that yes, you would like to see a similar analysis what we did for physics and what we guys are going to do for maths for chemistry also. तो आप comment section में मुझे बताएं कि आपको sir please chemistry का भी बनाएं. ठीक है, तो मैं session में शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि यार मैथ्स का पेपर जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसा होता है, क्या होता है और आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए फॉर द कमिंग नेक्स्ट फोर मंथ्स सो दैट यू कैन गेट इनटू द 99 परसेंटाइल क्लब. ठीक है, तो सारा का सारा टारगेट शिफ्टेड है टुवर्ड्स 99 परसेंटाइल. ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं तो पेपर का बनावट कैसा बनता है, कैसे बनाया जाता है पेपर, तो उसमें अगर हम टॉपिक वाइज बात करें कि मैथ्स में सर देयर आर 5 or 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स को मैंने और आपकी स्क्रीन पे दिखाया है और मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग को एक यूनिट बना लिया. ठीक है, तो एल्जेब्रा इज बाय फार द बिगेस्ट टॉपिक व्हिच हैज बीन आस्क्ड एट आईआईटी जेईई मेंस स्पेशली 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल भी एल्जेब्रा हमेशा से पॉपुलर रहा है कि आपका पेपर में 31% के आसपास will be algebra. Second biggest unit is coordinate geometry which is at 26%. क्यों 26% पे coordinate geometry सबसे बड़ी unit हो जाती है, calculus क्यों नहीं? Calculus को मैं अगर दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, that is differential calculus and integral calculus, तब ये अलग अलग स्प्रेड हो जाते हैं. डिफरेंशियल की वैल्यू है कुछ 16% के राउंड और इंटीग्रल की वैल्यू है कुछ 14% के राउंड, पर अगर आप दोनों को क्लब कर देते हैं तो कैलकुलस एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ टीचर्स विल गाइड यू कि यार आप अपना कैलकुलस ठीक कर लेंगे तो मैथ्स में ऑलमोस्ट 30% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है. ऐसा नहीं है कि यार आप मेहनत करेंगे और आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट बराबर है. ट्रिग्नोमेट्री 7% और स्टैट्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग मिला के कुछ 6% और बन जाते हैं, उनमें से दोनों में से एक एक सवाल आता ही आता है. ठीक है, और इसमें डेप्थ में जाके बात करते हैं. ठीक है, एंड प्लीज बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आपको इसका पीडीएफ भी मिल रहा है. सो इफ यू वॉन्ट अ पीडीएफ ऑफ द एनालिसिस शीट विच आई एम यूजिंग ऑन माई आईपैड, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा. So, अगर हम क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्लास 11 में सर कौन सा सबसे ज्यादा चैप्टर पूछा जाता है? सीक्वेंस सीरीज, जो पिछले साल तक 11th का हमेशा टॉप प्रायोरिटी चैप्टर रहा है. इनफैक्ट उसके आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट लाइक 2 questions पर क्वेश्चन पेपर रही है, कि हर क्वेश्चन पेपर में 2 सवाल आते हैं सीक्वेंस सीरीज के. ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th का आता है वो आता है बाइनोमियल थ्योरम, फिर सर्कल, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, फंक्शंस, पैराबोला, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वाड्रेटिक, लिमिट्स, स्टैट्स एंड सो ऑन. लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं. इससे सीखना क्या है हमें, ये आप क्लास 11th का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस ऑर्डर में आपको रिवीजन करना चाहिए. अगर आप नोटिस करो उसमें मैंने एक प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी दिया है, या फिर आप जो पीडीएफ डाउनलोड करके देंगे तो मैंने हर चैप्टर के आगे उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग दिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग 1.63 जैसे मैंने दिया सीक्वेंस सीरीज का, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में 1.63 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है सीक्वेंस सीरीज से. दैट मींस उसी ऑर्डर में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने क्लास 11th के टॉपिक्स की विद रिगार्ड टू योर रिवीजन ऑफ जेईई मेंस जनवरी और अप्रैल एडिशन. ठीक है, तो ये याद रखें, जहां जहां प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है इसका मतलब 100% है कि एक क्वेश्चन आएगा. 1.63 का मतलब है 1.63 क्वेश्चंस, राइट? वो क्यों हुआ 1.63? 26 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अगर आए, पेपर कितने थे 16, तो उस हिसाब से 26/16 करोगे तो रेशियो बन जाएगा. अगर मैं क्लास 12th की बात करता हूं, क्लास 12th में बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज 3-dimensional ज्योमेट्री, डेफिनेटली बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, 11th की भी बात करता हूं और 12th का कंबाइन कर देता हूं, तब भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है 3-dimensional ज्योमेट्री, दैट इज 2 questions पर पेपर. एंड आई बिलीव अगर जब 25 question भी हो जाएंगे तब भी ये सिनेरियो चेंज नहीं होने वाला है. मेरे हिसाब से सिनेरियो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. आई एक्सपेक्ट स्टिल 2 questions टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. The next big chapter from class 12th is matrix and determinant. Again, 2 questions used to come every time. One from matrix, one from determinant. I believe still it is going to remain same. So these 2 chapters, 3D, matrix and determinant comprises of 4 questions. So now you can imagine ki inki priority aur zyada badh gaya, inka importance aur badh gaya hai. To agar aap 12th mein hain, aap dropper hain, प्लीज मेक श्योर कि यार ये जो ऑर्डर में जो चीजें दिखाई जा रही हैं आप उस हिसाब से पढ़ें. दिस इज हाईली स्टेटिस्टिकल डेटा. ठीक है, आपको इससे ज्यादा इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा कहां से बात करेंगे, लास्ट 10 साल में क्या क्या हो रहा है. ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लास 12th का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स.
फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर शायद यहां गलत डल गया, घबराना नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को 11th में शिफ्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनेट एरिया एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमें करना क्या है, हाई आउटपुट लो इनपुट चैप्टर्स जो हमने शुरू करी है सीरीज की, भाई आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाए बिना और या फिर लीस्ट मेहनत के, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स मैं पुट करता हूं मैच में, इसका क्या मतलब है, मैं पहले से रिपीट कर चुका हूं, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका रिवीजन का ऑर्डर क्या हो वो ये होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हाई आउटपुट लो इनपुट वाले चैप्टर्स ही प्रिपेयर करके जाएंगे, दैट गैम्बल इज योर्स, बाद में आके हमें आप ब्लेम ना करें कि सर आपने कहा था यही चैप्टर्स आएंगे तो मैं यही पढ़ के चला गया, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू इन प्रायोरिटाइजिंग योर ऑर्डर, ऑलराइट। सो हाई आउटपुट लो इनपुट चैप्टर्स में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस, इंडेफिनिट, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इंटरेस्टिंगली यू आर फाइंडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक डेफिनेट पैटर्न से पूछा जाता है जेईई मेंस में जो कि टफ नहीं है, हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और ऑब्वियसली जेईई एडवांस लेवल पे डिफिकल्ट भी है, ट्रिकी है, बट जेईई मेंस लेवल पे रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल के सवाल आते हैं जो आप अगर करके जाओगे तो आपको आउटपुट तुरंत मिल जाएगा, आपको पूरा चैप्टर शायद करने की जरूरत ना पड़े। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सेइंग सम चैप्टर्स विच आर लो इनपुट, दे आर वेरी अदर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस। फॉर एग्जाम्पल आते हैं अगली डेफिनेशन पे, हाई आउटपुट हाई इनपुट चैप्टर्स, मतलब आउटपुट तो हाई होगा ही होगा, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पर इसको मेहनत करने के लिए, इस एक नंबर को बनाने, इस एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, चार नंबर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12th का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट प्रॉब्लम यह है इसमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं और उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये टॉपिक इस चैप्टर का बड़ा फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसमें प्रिपरेशन में आपका टाइम जरूर लगेगा, इसलिए इसको हाई इनपुट बोला गया है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम अच्छा पूछा जाता है, प्लस उसको करने में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं जब आप उसको याद कर रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं, इनफैक्ट क्लास 11th के एल्जेब्रा अगर मैं बात करता हूं तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट टॉपिक है, इसलिए उसको मैंने हाई इनपुट में पुट करा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगेन इनपुट ज्यादा है, डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, इनपुट को डिफिकल्टी से कंपेयर मत करना, इनपुट का मतलब दोनों पैरामीटर पर गॉज करा जाता है, डिफिकल्टी प्लस कोर्स कवरेज। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खुद में तीन चैप्टर्स या चार चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर बनता है, तो आपको उस एक या दो क्वेश्चन जो उसमें से आएंगे उसके लिए चार चैप्टर कवर करने पड़ते हैं, तो एफर्ट इज एक्चुअली हाई, ठीक है। सर्कल्स, डेफिनेट, डिफरेंशियल, पैराबोला, एरिया, क्वाड्रेटिक, वेक्टर एंड लिमिट्स, बट अगेन आई रिपीट ये सारे करने जरूरी हैं, तो आप जब भी पढ़ें तो एटलीस्ट जो हम हाई आउटपुट चैप्टर्स की बात करते हैं, चाहे वो लो इनपुट या फिर वो हाई इनपुट हो, वो आपको करना ही करना है, वो स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज लो आउटपुट लो इनपुट, मतलब आउटपुट भी कम आएगा, क्यों, क्योंकि इनपुट भी इनमें कम है, ठीक है। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कॉन्टिनेंटल डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस एंड मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये उस तरीके के क्वेश्चन हैं जहां पर आपको आउटपुट ज्यादा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार एक सवाल आए इन चैप्टर्स में से, और आराम से निकल भी जाते हैं। इसमें कई कई बार हम लोगों को डाउट रहता है कि कॉन्टिनेंटल डिफरेंशिएबिलिटी को किधर डालें, लो आउटपुट हाई इनपुट में या लो इनपुट में ही रखें। कई कई बार काफी आसान क्वेश्चन देखे गए हैं आते हुए, जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं 2019 में आसान सवाल थे, 2018 में देयर वर रियली गुड क्वेश्चंस व्हिच केम फ्रॉम कॉन्टिनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो फिर से जो लो आउटपुट और लो इनपुट में और लो आउटपुट हाई इनपुट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वैपिंग कर सकते हैं हम चैप्टर्स की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चौथी कैटेगरी की बात करता हूं, लो आउटपुट हाई इनपुट चैप्टर्स, उसमें अगर आप नोटिस करो तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एलिप्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर आप बोले डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स इंक्लूड करे जाते हैं। इनवर्स अगेन कुड बी पुट इनटू लो आउटपुट लो इनपुट, क्यों, वहां पर भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, बट कई कई बार अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे शायद टाइम भी ज्यादा लेंगे क्वेश्चन पेपर में और सॉल्व भी ना हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड वन ऑफ दोज हाई इनपुट, बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है आसान हो, बट एक हम एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सर कहीं ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमें डर जरूर लगता है, ठीक है। तो ये था इस बार मैथ्स का पूरा पूरा डिक्लेरेशन की यार मैथ्स में कौन से टॉपिक को आप कहां प्लेस करेंगे। एंड इनफैक्ट इफ आई वॉन्ट टू टेल यू मोर अबाउट
What are the key important, top important concepts that you should do for your maths, या जो paper में आते हैं, तो वो है कि जैसे अगर हम बात करें mod x, gifx, fractional part जो functions होते हैं, वो कहीं ना कहीं question में जरूर पूछे जाते हैं, और इनमें भी अगर मैं बात करूं, तो fractional part हटा दो, तो gif और modulus function के questions भर भर के आते हैं. Finding nth root, finding nth term, sum of nth term, sum of infinite series, भर भर के concept पूछे जाते हैं, एक एक paper में कई कई बार दो दो बार questions आते हैं, सिर्फ ये मत समझना कि वो सीक्वेंस सीरीज में आएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछे जाते हैं. जैसे इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन हर बार ऑब्वियसली बात है पूछी जाएगी. और अगर हम बात करें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो आरथ टर्म का फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है वो बहुत जरूरी है. तो ये कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं. इनकी एनालिसिस कब होंगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा. हमने तो अपने एंड पे करी हुई है, बट इट इज नाउ योर ड्यूटी टू गो इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी पास्ट ईयर क्वेश्चन, एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द थिंग विच यू शुड वर्क ऑन, सो दैट आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए. ऑलराइट, सो जाने से पहले आप सब लोग एक और काम करेंगे, टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मैथ्स के कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, या फिर विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर दैट यू हैव एनकाउंटर्ड इन योर मैथ्स प्रिपरेशन टिल डेट. बताएं उससे फायदा क्या होगा, कि उससे हमें भी पता चलेगा कि जब हम हाई इनपुट या हाई आउटपुट बोलते हैं तो वो आपके लेवल पे अभी किस लेवल पे प्रिपरेशन चल रहा है. विल बी एबल टू देन एड टू योर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरिंग ऑल्सो. तो थोड़ा थोड़ा फायदा आप वहां पर उठा सकते हैं अगर आप मेंशन करें कि आपके लेवल पे अभी क्या क्या चल रहा है. प्लस उसमें लास्ट में हमेशा क्या ऐड करना होता है, हमें पैथनगो एंथम, दैट इज पेपर फोड़ना है. तो इस साल तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, और मेहनत नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम पेपर फोड़ के आने वाले हैं. तो पेपर फोड़ना स्पिरिट हर दिन याद रखना बहुत जरूरी है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए. तो जो भी कमेंट करोगे उसमें लास्ट में ऐड क्या करना है, हम लोगों को पेपर फोड़ना है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहें, और मुझे जरूर बताएं कि आपको केमिस्ट्री की एक्सपेक्टेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, चाहिए नहीं चाहिए, कि तो मैं उसको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लूंगा उस वाली वीडियो में भी. ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.